तक 143 सांसदों को संसद के निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में संसद में विपक्षी दलों की ताकत बेहद कम हो गई है। विपक्षी दल सांसदों के निलंबन तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का दम भरा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपने स्टैंड से टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में हमारा आज का पांचवा सवाल है, सांसदों के निलंबन पर विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है? कांग्रेस ने सांसदों को निलंबन के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रही मेरे सहयोगी मौसमी सिंह। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। संसद में भी जो है एक अखाड़ा बन गया है, जहां पे लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार और पलटवार चल रहा है। यहां तक कि विपक्ष को लगता है कि ये एक बैज ऑफ यूनिटी है। जैसे जैसे फेहरिस्त सांसदों के निलंबित सांसदों की फेहरिस्त बढ़ेगी, कहीं ना कहीं सरकार पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। हालांकि सरकार ने लगातार ये कहा है कि नियम कायदों को ताक पे रख के संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम विपक्षी सांसदों ने किया और इसकी वजह से मजबूरन चेयर को ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन विपक्ष इसको मोदी सरकार की तानाशाही करार दे रहा है और ये लड़ाई अब संसद से सड़क पर ले जाई जाएगी। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना है परसों 22 तारीख को और उसके बाद हर राज्य में सांसदों के निलंबन को लेके इसको सियासी मुद्दा बनाया जाएगा।